बाजी कायनात बहुत तकलीफ में, मैं अंदर जा रहा हूँ। हफीज, हफीज, बैठो, शांत रहो। एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाना इतना आसान नहीं है। कहना जरूर तकलीफ में होगी, मगर देखना जब वो उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में देखेगी ना, तो कायनात और तुम्हारी दोनों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। कायनात बेटा प्लीज एक बार और पुश करने की कोशिश करो। एक दो तीन पुश करो थोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए रूहान की अम्मी, तशरीफ लाइए। खुदा खैर करे, कायनात कहाँ है? सब खैरियत तो है? अभी तक तो सब ठीक है, बस अंदर डिलीवरी चल रही है। अरे बेटा, हमें भी जगा दिया होता तो हम भी बच्ची को हौसला देने एक साथ आ जाते। हाँ। आपको तो जगा देते राहत साहब, लेकिन आपके साथ गुलनाज बीबी भी उठ जाती। और जब तक ये हॉस्पिटल आने के लिए मेकअप करती, तब तक तो यहाँ शायद बच्चा भी पैदा हो जाता। डॉक्टर भटनागर को कॉल करिए, इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर साहबा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? डिलीवरी तो आसानी से हो गई है। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है और बेटा हुआ है। मुबारक हो। पर बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या मतलब? बॉडी में कोई हरकत नहीं हुई है और बच्चा एक बार भी रोया नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, आप यहाँ खड़े क्या हैं? बच्चे को रुलाइए, कुछ कीजिए, किसी डॉक्टर को बुलाइए। हमने सीनियर डॉक्टर को बुलाया है, भगवान से प्रार्थना करिए, क्योंकि हमें डर है शायद बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।